नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोहाना खुर्द में 6 जनवरी को एक नाले की खुदाई की गई थी। यह नाला 5 फीट गहरा है। इस नाले के पास रह रहे करीब 20 परिवार 6 दिनों से परेशान है। बीती शाम करीब 6 बजे कुछ परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए। इन परिवारों का कहना है कि यह नाला खुदाई किया गया था, या तो उस नाले को बनवाया जाए या फिर इसे पूर्णतः बंद किया जाए। इन परिवारों का कहना है कि उनके पशुओं के लिए चारा भी नहीं लाया जा रहा और यहाँ तक कि उनकी महिलाएं भी घर से बाहर नहीं निकल पा रही। इस नाले की खुदाई के कारण उनके मकानों में दरार आ चुकी है, जिसके चलते वह लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने से अच्छा है कि वह लोग यहाँ से पलायन कर जाएं। इन परिवारों ने अपने घर का सभी सामान पैक कर लिया था, जहाँ गाँव छोड़कर यह लोग जाने को मजबूर है। रूबी त्यागी ने बताया कि योगी सरकार राम राज्य लाना चाहती है, लेकिन इन गरीब परिवारों को घर से बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर जबरन नाला खोलने के आरोप लगाए हैं। पलायन करने वाले परिवारों में रूबी त्यागी, प्रवीण त्यागी, राजकुमार, राम रतन, अश्वनी, शेर सिंह, मांगा, सीटू, संतरपाल, संतोष देवी, मधु देवी, कौशल, पुष्प त्यागी, सरोज, विनय, चिराग, लोकेश, अलका त्यागी आदि मौजूद हैं। हाँ जी, ये क्या नाम, जो 6 तारीख की बात है, 6 तारीख में खड़ा एसडीएम साहब आए थे यहाँ से, फोर्स लेकर आए थे। और क्या नाम, जो ये तरह गलत काम करते हैं यहाँ से, योगी सरकार के क्या नाम जो सकता था, राम राज्य, और राम राज्य आएगा यहाँ से। और क्या नाम, किसी को परेशानी नहीं होने लगी, गरीब तबका सब परेशान होने लग रहे हैं यहाँ से। इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा देख लो, आप ही देख लो, यहाँ से मकान गिरने वाले हो रहे। हम कहाँ जाएंगे, हमारे कोई सुनने वाला नहीं आएगा, ना कोई जिले पर, ना कोई यहाँ सब। और इतना बुरा हाल हो रहा है, आप देख लो यहाँ से। आपने ट्रैक्टर ट्रोली में सामान भर रखा है, घर का बर्तन वो सब चीज। जी हम तो ये कहाँ छोड़ के जाएंगे, हम तो प्लान करेंगे, हम क्या करेंगे इसका। उम्र आगे जब हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारे मकान गिरने लग रहे, हमारे डंगर भी भूखे मर गए जी। वहाँ घास की भी नौबत नहीं है, लैटरिन पेशाब की भी परेशानी आ गई, बताओ पानी भी घेर में जा सकते अपने, ताले मार दिए बिल्कुल, देखो क्या हाल हो रहा। तो आप क्या चाहते हो इसमें, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हो जी, इसका कुछ ना कुछ निस्तारण करा जाए। तो क्या नाम जो है, पक्का बना करो इसके, मतलब जो है हम तो बिल्कुल मरने के नौबत पे आ लिए। अब जा मेरे चक्कर भी परेशान और हम भी परेशान। तो आप प्लान की बना लिया आपने? प्लान कम से कम 25 परिवार यहाँ से पलायन करेंगे। ये 25 परिवार मेरे साथ में, ये सबके साथ प्लान कर रहे हैं इसका भी। अगर जो इस मामले को कोई सुनवाई जिले पर डीएम साहब या कोई अधिकारी नहीं करता, मंत्री के पास भी गए, हम साहब के पास भी गए थे, हम जाना पड़ेगा। वही मंत्री यार, मंत्री साहब के पास भी गए थे, मंत्री साहब ने भी आश्वासन दिया था, हम नहीं हो रहा था, भर कर गए। तो हम तो यहाँ से इतना परेशान है जी, आपने सारी चीज देखी थी। अब हम बताया तो हम काम है, हम तो कहाँ छोड़ कर जाए, बिल्कुल जबरदस्ती प्रशासन प्रशासन के पास इसका बजट नहीं बनवाने का। प्रशासन के पास हमने एडीओ साहब से बात करी, एडीओ साहब ने मतलब इसका बजट है, बजट 1 रुपए का नहीं है। जब इसका बजट 1 रुपए का नहीं है, तो फिर ये खड़ा खुदा हमें मारने के लिए करा गए। ये तो मकान गिर जाएंगे, दबका मारे जाग तक मर जाएंगे, दबका यहाँ से क्या नाम जो, और ये मकान गिर पड़ेंगे, हम क्या कहाँ जाएंगे, मारा कौन हमें बता दो, हम कहाँ जाओ, हमारी इतनी बड़ी परेशानी, मेरे जग तक बच्चे सब वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।